महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के महाविकास अघाड़ी से पिछले के बाद के फैक्ट्स अब दिखने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद छोड़ने की पेशकश की है, तो वहीं महायुति सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार को चुनावी नतीजों ने मुश्किल में डाल दिया है। उनकी अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने सिर्फ रायगढ़ सीट जीती है। बारामती की सीट पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार न सिर्फ सुप्रिया सुले से हारी, बल्कि अजित पवार की अपनी विधानसभा सीट बारामती में भी वो सुप्रिया सुले से पीछे रहीं। सुप्रिया सुले को बारामती की 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली है। इसमें सबसे ज्यादा लीड बारामती में मिली। बारामती विधानसभा में सुप्रिया सुले को 48,168 वोट ज्यादा मिले। इसे अजित पवार के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सुप्रिया सुले की बारामती से जीत को इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर अजित पवार ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जिस बारामती विधानसभा क्षेत्र से वो खुद विधायक हैं, वहां पर सुप्रिया की लीड सबसे ज्यादा रही। सुप्रिया सुले को कुल 7,32,312 वोट मिले, तो वहीं सुनेत्रा पवार को 5,73,979 वोट मिले। उन्होंने 1,58,000 वोटों से जीत हासिल की। बारामती लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक भी सीट शरद गुट वाली एनसीपी के पास नहीं थी। 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें एनसीपी के पास थी जो कि अजित पवार वाली एनसीपी के पास थी। ऐसे में सुप्रिया सुले को कांग्रेस से काफी उम्मीद थी। कांग्रेस के कब्जे वाली दोनों सीटों के साथ उन्हें 3 दूसरी सीटों पर भी लीड मिली। सुप्रिया सुले सिर्फ खड़क वसाला में पीछे रहीं। इस विधानसभा सीट पर सुनेत्रा पवार आगे रहीं। बारामती में सुप्रिया सुले बनाम सुनेत्रा पवार में सामने आए वोट पैटर्न को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अजित पवार ने बारामती में पत्नी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी नेता और राष्ट्रीय समाज पक्ष के चीफ महादेव जानकर को परभणी सीट की सीट दी थी। पहले ये सीट उनके खाते में आ रही थी। महादेव जानकर पर परभणी से तो हारे, पर दूसरी ओर पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से हार गईं। इतना ही नहीं, पत्नी की जीत के लिए अजित पवार ने शिंदे गुट के नेता विजय तारे से भी मदद ली थी। इसके बाद सही पूर्व विधायक हर्षवर्धन पाटिल को भी मैनेज करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी बारामती से उन्हें बड़ा दर्द मिला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।